रात को फ्रेश स्नोफॉल हुई है एंड पूरी गाड़ी स्नो में ढकी हुई है। पानी तो खैर नहीं जमा है बॉटल्स में, तो आई थिंक इतनी ठंड नहीं थी। स्टार्ट करके देखते हैं। वाह, एक बार में हो गई। पहाड़ों में मौसम आपका कभी भी साथ छोड़ सकता है। बादलों में खोए हुए स्पिति वैली का व्यू परफेक्ट तो नहीं था, पर जैसे जैसे हम लांगजा की ओर बढ़े तो दूर दूर तक बर्फ की चादर में ढके पहाड़ों का नज़ारा भी कुछ कम खूबसूरत नहीं था। तो गाइज हम लांगजा पहुंच गए हैं फिर से, एंड आइकॉन हमारी पीछे बुद्धा स्टैचू आप देख सकते हैं। एंड लगता है इसको क्लियर वेदर में देखना हमारी किस्मत में नहीं है। पिछली बार आए थे तो भी मतलब क्लाउड्स थे, एंड इस बार भी क्लाउड्स हैं, लेकिन इस बार लैंडस्केप काफ़ी डिफरेंट है। एक तो चारों तरफ मतलब पूरा स्नो कवर्ड है, तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। एंड सबसे बड़ी बात तो है कि हाँ मतलब अभी कोई भी नहीं है। पिछली बार आए थे तो पूरी भीड़ हो रखी थी यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे मतलब सिर्फ हम दोनों ही हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस है। मतलब विंड नॉइस के अलावा कोई भी नहीं सुनाई दे रहा, सब अपने अपने घर में है। बहुत ठंड है एंड कैफेज वगैरह सब बंद है ठंड की वजह से। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था की मॉनेस्ट्री। वहां पहुंचने पर मॉन्क्स को क्रिकेट खेलता देख एक अलग सी खुशी हुई। एक इंडिया ही है जहां कितनी ही दूर कितनी ही अलग सी दुनिया में हम चले जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो हम सबको यूनाइट करता है। ये रास्ता है, इसको छड़ के जाना है। सो गाइस हम की मोनेस्ट्री आ गए हैं, एंड यहाँ पर चढ़ के आना भी अपने आप में एक टास्क था। पूरी मतलब स्नो है ना, ब्लैक आइस हो गए हैं, तो काफ़ी स्लिपरी सरफेस हो गया है। हाँ, बट यहाँ का भी जो व्यू है मतलब सीरियसली कैन नॉट फाइंड वर्ड टू डिस्क्राइब इट।
मतलब दूर दूर तक मतलब सिर्फ वाइट स्नो है, पूरी स्पीति वैली जैसे वाइट चादर में कवर्ड है। एंड यहाँ सबसे अमेजिंग बात है कि यहाँ से बहुत दूर भी कोई गांव होगा या फिर कोई आदमी भी चल रहा होगा, गाड़ी चल रही होगी, तो वो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। सच में बहुत अमेजिंग है। सो गाइस, आज हम काजा से निकल रहे हैं, जियोरी तक जाना है वापस, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि रात भर स्नोफॉल हुई है, तो 3-4 इंच स्नोफॉल हो गई है, तो देखते हैं रोड्स पे भी स्नो होगी। यहाँ पर पास में टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से पता करा था कि टैक्सीज वगैरह जा रही हैं, तो उनके ट्रैक्स फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत होनी नहीं, बट लेट्स सी, असली एडवेंचर तो आज होगा। कार पूरी स्नो से कवर्ड है, सबसे पहले तो स्टार्ट करके देखते हैं। थैंक गॉड कार तो स्टार्ट हो गई, अब जल्दी से सामान लोड करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो बस यूं ही हम निकल लिए अपनी अभी तक की सबसे डेंजरस जर्नी पे। हर मोड़ पे गाड़ी स्लिप होने का या लैंडस्लाइड का खतरा था, हम लिटरली 10 की स्पीड पे चल रहे थे। पर इन्हीं सभी खतरों के बीच था स्पीति वैली का सबसे खूबसूरत रूप। हमने सबसे मुश्किल पार्ट सेफली क्रॉस कर लिया और टाबो आते आते रास्ता काफ़ी आसान हो गया। पर अभी एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ था, एक जगह तो हम लिटरली शूटिंग स्टोन्स के बीच में से निकले। Thank you.
सबसे ज्यादा डर तो मलिंग नाला क्रॉस करते टाइम लगा। अल्टीमेटली हमने स्पीति वैली सेफली क्रॉस कर ली और हमारी अभी तक की सबसे यादगार जर्नी का एंड हो गया।